दोस्तों, मेरा नाम जीशान बाबा सिद्दीकी है। मैं आज आप सबसे एक किस्सा शेयर करना चाहूंगा। किस्सा 2014 का है, तकरीबन 6 साल पुराना। अर्पिता खान की शादी थी, हम सब हैदराबाद में थे, नवंबर का महीना था। मैं और मेरे पिताजी हैदराबाद गए थे, संगीत का फंक्शन था, रात के तकरीबन 1:30-2 बजे थे। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं सलमान खान भाई के साथ मुझे 5 मिनट अकेला बैठने का मौका मिला। तो सलमान भाई और मैं बैठे थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि जीशान, तुझे आगे बड़ा होकर क्या करना है। तो मैंने कहा, भाई मुझे आगे जाकर लोगों की मदद करनी है, लोगों की सेवा करनी है, उनकी सहायता करनी है। तो उन्होंने कहा कि अगर तुझे कुछ किसी को देना है तो तू कैसे देगा। तो मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा कि कैसा देना है मतलब। तो उन्होंने कहा, हाँ अगर तुझे कुछ चीज देनी है तो तू कैसे देगा। तो मैंने कहा कि कैसे दूंगा मतलब, लोग ऐसे ही देते। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तू ऐसे मत दे, ऐसे दे, मैं ऐसे देता हूं। तो मैंने पूछा, ऐसे मतलब, मैं समझा नहीं, क्योंकि उनका बात करने का अंदाज अलग है, एक परसोना अलग है, तो मैं कंफ्यूज था। तो उन्होंने कहा कि अगर तू ऐसे देगा तो जो भी तू दे रहा है थोड़ा बहुत तेरे हाथ में रह जाएगा, मगर अगर तू ऐसे देगा तो जो भी तू दे रहा है वो उस इंसान को पूरा पहुंचेगा और तू सब कुछ देगा। तो ये बात मेरे दिल तक छू गई और मैंने ये बात हमेशा याद रखी है। और आज जब लोग उन पे उंगलियां उठाते हैं और उनके बारे में कुछ बुरा कहते हैं तो मुझे भी बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ऐसे महान व्यक्ति के बारे में अगर कोई कुछ बुरा कहे तो जाहिर सी बात है बुरा ही लगेगा। मैं ये नहीं कहूंगा और ये नहीं गिनाऊंगा कि सलमान भाई ने कितनी हजारों लाखों जिंदगियों को छुआ है। मैं सिर्फ यही किस्सा बताना चाहूंगा और आप सबसे यही क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, यही प्रश्न पूछना चाहूंगा कि जिस इंसान की सोच ऐसी हो कि वो ऐसे नहीं बट ऐसा दे, वो इंसान का दिल कितना बड़ा होगा, आप ही मुझे बताइए। शुक्रिया।